गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ अपने शब्द आप लोगों को मोटिवेट के लिए प्रदर्शित करें। विवेक सर आ चुके हैं हमारे बीच में, ठीक है, आइए भाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बनाए हुए मंच स्कॉलर्स एकेडमी के जो भी संचालक हैं और हमारे जयसिंह सर हैं, इनका धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं इस मंच पर खड़ा हो सका। उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है, जो अरेंज कराई है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा बहुत सारा प्यार और 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है, 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को राष्ट्र की व्यवस्था को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया, उसका निर्वाह किस तरह से राजनीतिक दायरे कर रहे हैं और हम सभी लोग उससे बंधे हुए कुछ अंग हैं जिनसे हमारा संविधान मजबूत होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इस एकेडमी में अगर एकत्रित हुए हैं या यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के आए हुए हैं। तो मेन मुद्दा है कि हम इस लक्ष्य को किस तरह से गेट करते हैं और इसके लिए कौन कौन से ऐसे नियम हैं या रेगुलेशन हैं जो कि स्वयं के संविधान को बनाने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। ज़रूरी है कि आज के समय जिस प्रकार से हम लोग अपने भारत देश को चलाने के लिए संविधान को याद करते हैं, उसी तरह से आज के दिन हम स्वयं को सबसे पहले मजबूत बनाएं और अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का संकल्प लें जिनके द्वारा हम अपने लक्ष्य को क्या कर पाएँ, गेट कर पाएँ या उसे पा पाएँ। यही हमारा आपसे संदेश है। तो बच्चों, मेहनत उस तरह से करिए कि कामयाबी आपका शोर मचा दे, क्योंकि ये जो दुनिया है आपको तभी जानेगी जब आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। अगर बोला जाए सफलता की जो परिभाषा है, या जैसे कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी आपको जॉब नहीं मिल पाई, आप अपने टैलेंट को लोगों को नहीं दिखा पाए जबकि आपके अंदर टैलेंट है। लोग तो आपको तभी टैलेंटेड बोलेंगे जब आप क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। आपकी सक्सेस ही आपको ये मुकाम देगी कि आप टैलेंटेड पर्सन हैं। जिस दिन आप कहीं पर सेट होकर के इस मंच पे खड़े होकर के आप कोई भी बात या जो शब्द बोलेंगे, वो आपके द्वारा दिए गए शब्दों को जो बच्चे होंगे या जो लोग होंगे वो दूसरी तरह से लेंगे। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद को सफल बनाने के लिए जो भी त्याग है, बलिदान है, जो भी करने हैं वो हमें आज की एज में करने चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस भीड़ में जहाँ पर आप सभी लोग हैं। आप जानते हैं कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करने के लिए एक सीट के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। 99,999 लोगों को बीट करके आपको वो सीट छीननी है और आप ये भी देख रहे हैं कि इस दुनिया में, इस भारत में या इस गांव में या इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को हमसे बेहतर पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उस भीड़ में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको उनसे बेहतर पढ़ाएं। यहाँ पर एक बेस्ट कंपटीशन है कि हम लोग अपने आप को सफल करने के लिए उन, मैंने एक आंकड़ा दिया है कि 99,999 लोगों को बीट करके हमें वो सीट क्या करनी है, छीननी है। तो बहुत, आप तो जानते हैं कि आपको लगता है कि आप 10 घंटे मेहनत करते हैं, 24 घंटे में 10 घंटे स्टडी करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस हमारे जानने में ही कुछ लोग हैं जो 14 घंटे स्टडी करते हैं। फिर जब मैं और बाहर निकलता हूँ तो पता चलता है कुछ लोग 20 घंटे स्टडी करते हैं। फिर पता चलता है कुछ लोग कम देर स्टडी करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेस करने के लिए बहुत बहुत तरीकों से मेहनत करता चला जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों का आकलन करें
कि किस तरह से हम इस भीड़ से निकल करके आगे आएं, क्योंकि मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है बेटा, और मैं जानता भी हूँ कि टॉप इज़ द ऑलवेज इम्प्टी। टॉप का जो स्थान है सदैव खाली रहता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हमारे ऊपर छत है, तो हमारा तो टॉप कौन है? इसके ऊपर एक और मंजिल है, उसका भी कोई ना कोई टॉप है। इस छत पे जाना जितना कठिन है उससे ज़्यादा आसान है सबसे टॉप पे बैठा रहना। तो टॉप का रास्ता तो कठिन है, लेकिन टॉप का स्थान खाली है। वहाँ जाने के लिए हमको हर एक कोशिश करनी चाहिए। आप कैसे भी बंदे हों, आप कैसे भी स्टूडेंट हैं, या आप कुछ भी हैं, अगर आप उनमें से टॉपर हैं ना, तो आपकी कहीं ना कहीं गिनती है। कोई काम, कोई नौकरी, कोई एम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सबकी अपनी एक जगह होती है। जैसे आप कभी सोचते होंगे कि नहीं, मैं ये छोटी सी जॉब नहीं करूँगा, डी ग्रुप नहीं करूँगा, तो मेरा मानना है कि डी ग्रुप आप नहीं करोगे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डी ग्रुप करेंगे। क्या वो नहीं करेंगे तो क्या उनका काम कौन करेगा? क्या आपकी जो टॉप लेवल की जो ऐसी ट्रेन चलेगी, क्या उनमें डी ग्रुप वालों का कोई महत्व तो नहीं है? क्या उनका कोई योगदान नहीं है? तो दुनिया में कोई भी चीज़ है वो निरर्थक नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्या है, जगह है, बशर्ते हम अपनी जगह को किस जगह पे पहुंचाना चाहते हैं और हम उस चीज़ को ले जा करके कहाँ पर खड़ा करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर। हम किस तरह से स्टडी कर रहे हैं या किस मंच को गेट कर रहे हैं। आज हमने स्टडी करी, आज हम इस मंच पर खड़े हुए, कोई और बेहतर स्टडी करेगा? ऐसे कई सारे मंच मिक्स होंगे, वहाँ का चीफ गेस्ट होगा। बड़ा सौभाग्य है, और मुझे तो बस यहाँ पर इतना सारा प्यार मिलता है इसलिए मैं चला आता हूँ। सर कम से कम 50 बार बोलते, मेरा तो मन करता मैं रोज आऊँ, बशर्ते मैं सिर्फ आ इसलिए नहीं पाता हूँ। उसका कोई कारण नहीं, कोई पैसा का कोई मतलब नहीं है, बस एक ये है कि जैसे कि मैं इस ईयर की स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों से जुड़ जाता हूँ, तो मेरा मानना है कि अगर मैं आज उनसे जुड़ गया हूँ तो उनका पूरा ईयर मैं निकाल कर ही और बच्चों के साथ जुड़ूंगा। इसलिए मैं उनको छोड़ करके मैं आप लोगों के बीच में कभी क्लास लेने नहीं आ पाता हूँ। जैसे हम ही हैं, अगर आपसे जुड़ गए तो आप यही सोचोगे कि सर हमारे कंपटीशन तक जब तक हमें कुछ ना गेट हो जाए तब तक हमें सर पढ़ाते रहें। बस यही सारी चीज़ें हैं बेटा। जैसे ही समय निकलेगा हमसे जो बन सकेगा मैं आपके लिए करूँगा, और इस संस्था में आकर के अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने ज्ञान को जो कुछ भी है जिससे आपको थोड़ी बहुत कामयाबी या थोड़ा बहुत अच्छाइयाँ हो सकती मैं देने की पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, क्योंकि आपकी सफलता के लिए बहुत सारे लोग इस तरह से आँखों में इंतज़ार लिए बैठे हैं, चाहे वो आपकी मम्मी हो या आपके पापा हो या आपसे जुड़े हुए लोग हों। अगर एक गांव का बच्चा नौकरी पाता है, सफल होता है ना, तो उससे उसका परिवार सुधर जाता है। देवेश सर ने यह संस्था चलाई, सर बिलोंग करते हैं मोहान साइड से, मैं भी यहाँ पे जो मैं भी सर की भतीजी जो सविता मैं शायद इनकी अली सिस्टर है, वो हमारे साथ पढ़ती थी तो बताया करती थी कि चाचा जो है यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं जैसा कुछ है। तो सर का एक बहुत बड़ा योगदान है जो आप सभी को इस लेवल पर यहाँ पर शिक्षा का जो आयोजन है या शिक्षा मिल पा रही है। जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग का 12th था 10 साल पहले, तो बड़ा मुश्किल था हम पढ़ने कहाँ जाएं, कहाँ पर पढ़ें, अच्छे केंद्र नहीं थे। तो जानते हो हम लोग का जो मान सम्मान है, हम लोग का जो भी स्तर है वो आपसे है। अगर आप बेहतर करते हो तो हम लोग इस एरिया में शोर मचा देंगे, अगर हम बेहतर करते हैं तो आप बिल्कुल 100% क्या करोगे, सिलेक्शन लेकर के ही आओगे। इंटर कन्वर्सेशन बिटवीन टू, आप और हम मेहनत करेंगे, आप बेहतर बनोगे, आप बेहतर करोगे, हम सभी बेहतर बन जाएंगे। बस इस कम समय में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।